तो बस यही था यार, बस वर्ल्ड कप इंडिया के लिए हुआ था, इंडिया ने जीत लिया, और फैंटी आपने जो लगाई है वो डिजर्व करता था, फैंटी जिसका आपने लगाई है, और बहुत अच्छा खेले हैं यार। मैंने आपसे कहा था ना रोहित शर्मा छोड़ेगा नहीं, अगर वो थोड़ी हाँ देर सबर कर जाते तो वो 200 करके उठते यहाँ से। लेकिन क्या बात है यार विराट कोहली की, और क्या बात है श्रेयस अय्यर की यार, जी क्या खेला है भाई, क्या उसने, उसका 100 400 में देख लिया आपको, क्या बात है उसकी है। से वही हमें भी करना होगा जो विराट कोहली ने करके दिखाया। सचिन तेंदुलकर उसी मैदान पर मौजूद थे जब उन्होंने सचिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा, अपना 50वां वनडे इंटरनेशनल शतक जड़ा, और आज इस शतक की विराट कोहली की इस पारी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आप पहले मैच से अगर हम देखें इनकी बैटिंग को, तो ये बड़े प्लान के साथ उतरे हैं, इनका माइंडसेट बहुत जबरदस्त है। वो मैं कहता हूँ वो टिप भी करे ना, वो भी फेवरेट है मेरी, उसकी एक एक चीज मेरी फेवरेट है। वो बेशक आउट भी हो जाए ना, मुझे उस बॉल से भी प्यार है यार। देखो ना आज उसने जो सेलिब्रेशन की है ना, मैंने बड़ी देर बाद देखा यार, अपनी सेंचुरी, मैंने बहुत देर बाद देखा कि विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी की सेलिब्रेशन की हो, नहीं तो नॉर्मली वो सेलिब्रेशन नहीं करता उसके, क्यों क्यों, क्योंकि उसके लिए ये सेंचुरी करना बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है उसके लिए। आज जो लेजेंड्स आए थे स्टेडियम के अंदर, सबसे पहले तो जय शाह, सचिन तेंदुलकर और डेविड बैकहम। यार डेविड बैकहम जैसा प्लेयर इसको देखना, तो भाभी तो आती रहती है, भाभी भाभी का तो पूरा ग्राउंड ही इंडिया के भाभी के नाम है। जो डेविड बैकहम आया, मुझे तो लगता है मैच से पहले जो डेविड बैकहम विराट कोहली से मिला ना, उसने इसको कहा होगा कि यार भाई मेरी बात सुन, तेरी बड़ी मेहरबानी, आज मैं आया हूँ, मेरे लिए सेंचुरी कर दे। तो क्या पता विराट कोहली ने आज की सेंचुरी डेविड बैकहम के नाम की हो। वर्ल्ड कप के अंदर सचिन तेंदुलकर से ज्यादा इसने रिकॉर्ड तोड़े हैं, दो रिकॉर्ड तोड़े हैं एक ही मैच के अंदर, यार कमाल, मैं कहता हूँ कमाल कमाल। विराट कोहली की बात करने से पहले तो हम ये करें, ये सजदा नहीं है, मैं पहली बात ये क्लियर कर दूं, ये मैं सजदा नहीं कर रहा, ये मैं एक कह लें कि ओनर दे रहे हैं। ऑफ की छक्का मारा है यार, जो कदम निकाल के, कदम निकाल के लेग के उसने छक्का मारा ना, यकीन मानो यार आज बड़ी देर बाद शॉट देखा, और यकीन वही बात यार, बड़ी देर बाद ये शॉट देखी है, और यकीन मानो उसने दिल तो पहले ही जीता हुआ था, आज तो पूरा ही जीत लिया यार। के गुड टीम, बट दूसरी तरफ ये भी तो देखे की टीम कौन सी है, इंडिया जो कोलंबो में जो है वो उनकी पिछले ओवर खड़े होकर उन लोगों जो है वो हरा के आ गई, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट ले ली, लाइक इट्स नॉट अ मतलब स्मॉल डील, ये उन्होंने बड़ा बहुत बड़ा काम किया, और वो अपनी पिच पे कैसे किसी को जीतने देंगे, नहीं जीतने देंगे वो कभी किसी को। हिट्स मसाला उनको मिले देखने को, और वो उनको मिल रहा है, पाकिस्तानी टीम तो बाहर हो चुकी हुई है, उस पर भी उन्हें बहुत ज्यादा मिर्च मसाला मिला है, लेकिन अब अगर हम देखें तो अब उन्हें इंडिया और न्यूजीलैंड का मिल रहा है कि न्यूजीलैंड कैसा परफॉर्म करती है। पाकिस्तानियों की तो आज भरपूर दुआएं होंगी कि इंडिया हार जाए, इंडिया हार जाए, ना जा सके। हानिया अगर आज इंडिया हार जाता है, आज इंडिया बाहर हो जाता है, आपको नहीं लगता कि ट्विस्ट खत्म हो जाएगा वर्ल्ड कप? बिल्कुल, मैं भी देखे अगर मैच में पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता तो भी ट्विस्ट नहीं रहता, और अब अगर ट्विस्ट है सारा तो वो इंडिया पर है, अगर इंडिया बाहर हो गया तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता, और इंडिया की टीम बाहर हो नहीं सकती। क्या रह रखते राय क्या रखनी है, जो टीम जो है वो सारे मैचेस जीती हुई आ रही है, डेफिनेटली वो भी जो है वो यही मैच जीतेगी, ओब्वियसली ये मैच जीतना उसका बहुत जरूरी है, जरूरी ना भी हो लाइक फाइनल में तो वो बिल्कुल है ही है, कुछ भी कर ले आप, सेमीफाइनल तक आ गई और इतने सारे मैचेस जीते, लाइक आई एम वंडर्ड कि एक भी मैच नहीं हारा, लाइक उसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया जिसको मुझे लगता है कि शायद वो खुद भी अब तोड़ ना पाएंगे। मुझे बताओ हानिया, आज तो 90% लोगों को यही लग रहा है कि इंडिया विल जस्ट विन द सेमीफाइनल, आगे फिनाले में टक्कर किसके साथ होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्या वजह? यार वो एक मैच उनका ना एक टक्कर की टीम है दोनों, और वो दोनों खेलते भी अच्छे हैं, उनके प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं, नो डाउट न्यूजीलैंड के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो नहीं जा सकेंगे सेमीफाइनल तक, आज इंडिया ही जाएगा। और दूसरी साइड पर अगर हम देखें ना, तो आप कह रहे हैं कि वो क्यों आपको लगता है, तो उनके प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, और जिस तरह से इंडिया परफॉर्म करता है उनके भी प्लेयर्स ऐसे ही हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। द लेजेंड, क्या बात है यार विराट कोहली की, मतलब 58 ODI 100 टुडे एंड दैट टू इन अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल बिफोर अ फुल हाउस एट वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई। व्हाट अ ओकेशन फॉर विराट कोहली एंड व्हाट ओकेशन फॉर इंडियन क्रिकेट यार, मतलब मैं तो सिर्फ ये सोच के दंग रह जाता हूँ कि यार 50 यानी कि 50 100 करना ODIs में कोई छोटी बात नहीं है यार, और उसमें से 23 के करीब जो है वो विनिंग उसमें आए हैं, उसके 100 मतलब विनिंग चेस में आए। कैन यू जस्ट इमेजिन, आई मीन द इम्पैक्ट दिस गाय हैड ऑन इंडियन क्रिकेट, और यार क्या इनिंग्स खेला है वो, एंड जो रोल उसको दिया गया है इस पूरे वर्ल्ड कप में,
एक एंकर का, इनिंग्स को लेके चलने का, वो उसने रोल पूरा किया है। आज तो न्यूजीलैंड की ऐसी की तैसी हो गई है, कमाल कर दिया, ठीक है, उसने छक्के छुड़ा दिया, लालो लाल कर दिया उनकी। जो बॉलरों की वाट लगा रहे हैं, ठीक है, बॉलर को निकाल रहे हैं, उनका करियर तबाह कर रहे हैं, ठीक है, पता नहीं बेचारे कितने कितनी मुश्किल से आते हैं, जैसे कि हमारा हारिस रऊफ का नाम बड़ा था। फूल पकड़ा दें, फूल पकड़ो, यस, और ये ले फूल वापस, क्यों, ये कोहली के लिए, ये बहुत बड़ा गेंजियस होती लाइक अ बॉल, और वो सिर्फ एक इस फूल की तरह है, मैं उनको इतना ही एलाब्रेट कर सकती हूं, बस ये माफ कर दे यार, ये नाम है इस बंदे का नहीं, हमको अगर वो आज आखिरी मतलब वन लास्ट मैन स्टैंडिंग भी होता पिच पे तो वो आराम से पूरी टीम को कैरी करके लेके जा सकता। यार विराट कोहली तो मेरे लव है ना, वो लव है, लव तो ऐसी तरह खेलता है कि उसे कोई टेंशन नहीं होता कि मुझे आउट होना है या मुझे सिक्स लगाना है, उसे मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है जब वो खेलते हैं। पिच पे विराट खड़े रहता है तब तक बाकी जितने 11 प्लेयर है ऑपोजिट टीम के उनको टेंशन रहती है क्योंकि ही इज द मैन दैट कैन कैरी अ टीम। इंडिया के घर से वो लड़की पड़ी है, अगर कोई उठा के ले जाएगा तो कैसे वो बर्दाश्त करेंगे, नहीं ना, तो फिर वो लाठीचार्ज तो करेंगे ना, आज जो कर रहे हैं वो लाठीचार्ज। आज इंडिया ने इनकी बैंड बजा देनी, ऐसी टीम तो इंडिया के सामने फिर कुछ भी नहीं है अभी तो। जब वो क्रीज पे खड़े होते हैं तो हम अपना खाना पीना भूल जाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस इट्स सो अमेजिंग एंड रिमार्केबल। और समय नहीं आ रही न्यूजीलैंड को इसको पकड़ना कैसे है यार, मैं तो कहूंगा कि आज अंत तबाही मचा दी है नी कोहली ने। धोनी की हेलीकॉप्टर शॉट और विराट कोहली का ये फ्लिक वाला छक्का स्ट्रेट का लेवल। विराट कोहली साहब जो हैं वो हमारी सदी के बेहतरीन बल्लेबाज हैं तो शॉट भी जो है बेहतरीन ही होगा ना, ऐसा कैसे हो सकेगा विराट कोहली का छक्का और वो बेहतरीन ना हो। विराट कोहली उसने कहा कभी कभार लग जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है, कभी कभार नहीं लगता यार, 150 प्लस की बॉल को स्ट्रेट से फ्लिक करना, हाउ इज इट पॉसिबल यार। तो सॉरी सेंचुरी कंसीडर किया गया उस शॉट को यार, 98 मीटर का छक्का, वो भी यहाँ से उठाना, वो भी स्ट्रेट बिल्कुल बॉटम के ऊपर, ये कैसे मुमकिन है, कोई प्लेयर नहीं ऐसे मार सकता। और आईसीसी क्या, मुझे तो लगता है जैसे शाहिद अफरीदी को 12 स्कोर मिले थे एक छक्के के, विराट कोहली को भी वहीं पे मिलने चाहिए थे। टी टू किंग है, जैसे फुटबॉल के अंदर लोग मैसी रोनाल्डो के सामने इस तरह नहीं करते, वैसे भाई अब ना क्रिकेट के अंदर ना विराट कोहली के सामने लोग इस तरह करते हैं, भाई टू किंग है। आज मैंने विराट कोहली की नई फोटो चेंज की है, ये देखे मजे वाली लग रही है ना, ये कोई क्लिक बेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, विराट कोहली जनरल लव है। 150 स्पीड को कराने वाले को से बस ये पीछे हो गई, ये छक्का बैंक है यार, फ्लिक थी उसके साहब की, बस बैट का जो टाइमिंग विराट कोहली के पास है ना वैसी टाइमिंग मेरे पास होना, अल्लाह की कसम है विराट कोहली से भी प्यारे छक्के मारो, लेकिन मुझे भी वो छक्का मारने के लिए ना कोई 150 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या बोला था भाई मैंने, क्या बोला था? बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हमको धक धक हो रहा है। अभी बताओ कहां धक धक हो रहा है। जबरदस्त भाई, जबरदस्त यार, माँ की आंख क्या तोड़ा है भाई, न्यूजीलैंड की टीम को क्या तोड़ा है भाई, जबरदस्त भाई आज तक का सबसे जबरदस्त मैच भाई, सिंगल डबल तो दिख नहीं रहा था भाई, 4-6 4-6 4-6, अरे भाई। भाई रोहित शर्मा जब जब बड़ा टारगेट बना है ना, आप नोट कीजिए रोहित शर्मा ने जबरदस्त जो है वो स्टार्टिंग की है, आज भी वैसा ही हुआ, रोहित शर्मा ने जिस तरीके से स्टार्ट किया मैच को उसी तरीके से जाके ये खत्म हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूं। भाईजान ये तो पिक्सी पिक्स है भाई, इससे बड़ा पिक्स तो हमने दुनिया में नहीं देखा, ये कितना बड़ा पिक्स है भाई। एक जमाने में दी ग्रेट सचिन तेंदुलकर से यह सवाल पूछा गया कि सर आपके शतकों का रिकॉर्ड क्या कोई तोड़ पाएगा, तेंदुलकर ने कहा था कि इस रूम में विराट कोहली बैठा है जो ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है। सच कहे तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि जिस तेंदुलकर को साल 2011 में विराट कोहली ने कंधों पर उठाकर तेंदुलकर के सबसे बड़े सपने को पूरा करने के बाद उन्हें मैदान के चक्कर लगवाया था, उसी तेंदुलकर के सामने साल 2023 में विराट कोहली उनके 49 शतकों के उस विराट रिकॉर्ड को तोड़ेंगे जिसकी कल्पना शायद किसी ने की थी।
लेकिन विराट कोहली कमाल है और इस कमाल का असर यह है कि टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में धमाल मचा दिया है। विराट कोहली के 50 शतक ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बवाल काट दिया है। जय हिंद दोस्तों, भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप में लगातार 9 मैच जीतकर आत्मविश्वास से ओतप्रोत थी, लेकिन अब नॉकआउट स्टेज में पिछला प्रदर्शन मायने नहीं रखता था। वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित की ब्रिगेड टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। 4 साल 4 महीने और 5 दिन के बाद इतिहास खुद को रिपीट करने वाला था। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ये मैच अपने नाम कर लिया और फाइनल में पहुंच गई। 2019 और 2023 दोनों में ही वर्ल्ड कप में पॉइंट टेबल में भारत नंबर 1 और न्यूजीलैंड नंबर 4 पर रहा। इस बार का वर्ल्ड कप भारत और न्यूजीलैंड के बीच दोनों टीमों के पास ऐसे खिलाड़ियों की भरमार है जो कभी भी अपने दम पर मैच का रुख मोड़ सकते थे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा क्रीज पर उतरते ही मैच का टोन सेट कर देते हैं। वो जब तक क्रीज पर रहते अटैक करते रहते हैं। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया का इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन रहा। इस विश्व कप में हर भारतीय बल्लेबाज ने रन बनाने के लिए तत्परता दिखाई है, जिससे भारत के स्कोरिंग रेट को अच्छे रन रेट से बढ़ाने में मदद मिली है। पूर्व कप्तान विराट कोहली टीम में एंकर बैटर का किरदार निभा रहे, उन्हें बल्लेबाजी करने के लिए काफी समय दिया गया है और उनका काम बाकी बल्लेबाजों को अपने इर्द गिर्द बल्लेबाजी कराना है। यही वजह है कि टीम इंडिया मध्य के ओवरों में ज्यादा विकेट नहीं गंवाती। विराट कोहली 99 की औसत से लगभग 600 प्लस रन बना चुके हैं। वहीं हिटमैन रोहित शर्मा का रोल शुरू में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है। अगर उनका बल्ला चलता है तो विपक्षी टीम शुरू में ही दम तोड़ देती है। ऐसा लगभग सभी मैचों में देखने को मिला है कि रोहित शर्मा ने आके शुरू में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। लगभग सभी मैचों में भारत की मजबूत शुरुआत और जीत के पीछे कप्तान रोहित शर्मा की अहम भूमिका है। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी ने अब तक विपक्षी गेंदबाजों को डरा कर रखा है। रोहित शर्मा इस विश्व कप में 58 चौके और 24 छक्के लगा चुके हैं, जो कि फिलहाल इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा है और एक रिकॉर्ड है।